So hello my friends, my name is Kalpana Rajilwad. This is my YouTube channel Medicaps. I'm the student of Lady Harding Medical College, third year MBBS. तो आज हम कॉलेज टूर करने वाले हैं. तो ये जो सामने जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो पूरा हमारा ओल्ड एकेड ब्लॉक है, जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है. और अब हम चल रहे हैं मेडिकोस कैफे की तरफ, जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक खुला रहता है. यहाँ पे हर टाइप का स्नैक्स वगैरह मिलता है, तो हम यहीं जाके चिल करते हैं. तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सुबह आया हूँ, तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है मुझे. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बैठ के. यहाँ पे हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स में. तो अब हम चल रहे हैं अंदर, जो एकेड है वहाँ पे चल रहे हैं. तो देखते हैं. और ये है लेडी हार्डिंग. ये जो सामने जो ब्लैक कलर का स्टेचू दिख रहा है, ये हमारे यहाँ का मेन स्टेचू है, जो कि लेडी हार्डिंग का है. और राइट साइड में फार्मा डिपार्टमेंट है, लेफ्ट साइड में एनाटॉमी डिपार्टमेंट है. ये जो पुराना वाला जो ब्लॉक है वहीं पे, बाकी नया वाला भी बन चुका है, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी अभी क्लासेस. और ये कॉलेज ब्लॉक है हमारा, ओल्ड कॉलेज ब्लॉक. अब हम चलते हैं हमारी ऑडिटोरियम की तरफ. तो ये जो है वो है स्वर्ण जयंती सभागार. हाँ, तो हमारे जो भी स्प्लैश वगैरह कोई भी जैसे फंक्शन वगैरह होता है तो ऑडिटोरियम में ही होता है. और ऑडिटोरियम के लेफ्ट साइड में हमारी पूरी लाइब्रेरी है, 3 फ्लोर्स है उसके अंदर. तो यहाँ जाके हम पढ़ते हैं कभी कभार, बहुत ही कभी कभार. और अब हम चल रहे हैं जो यूजी हॉस्टल है उसकी साइड, तो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल. इसके अंदर बहुत सारे जो पर्टिकुलर हॉस्टल्स बने हुए हैं ईयर वाइज. तो अगर आपको कॉलेज हॉस्टल पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना. और अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ. तो जो जिम है वो ऑडिटोरियम के राइट साइड में है. तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आई हूँ, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे कोई मिलेगा. देखते हैं, है कुछ लोग कर रहे हैं तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं आगे की तरफ. और अब हम जिस जगह जा रहे हैं वो है यहाँ का स्विमिंग पूल. और यहाँ पे हम एक भी बार नहीं गए बेसिकली, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे यहाँ का रिनोवेशन चल रहा था, और सेकेंड ईयर में तो आपको पता ही है कोविड टाइम पूरा, तो चांस ही नहीं मिला. ठीक है, करेंगे हम भी कभी. और यहाँ पे आगे जाके जो राइट साइड में चर्च है, जो कि अभी बंद है. और ये जो वाइट कलर का गेट है, ये पूरा इमरजेंसी वाला एरिया है इससे आगे. और आगे चलते हैं, यहाँ पे राइट साइड में ये रेडियो डिपार्टमेंट है, MRI सेंटर वगैरह. और जो आगे जो जगह दिख रही है पूरी, ये सारा हॉस्पिटल सेक्शन है पूरा, न्यू ओल्ड एक्सेट्रा. और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो ओल्ड सर्जन हॉस्टल है उधर. तो यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम KKD है, कमल की दुकान बेसिकली. और ये नर्सिंग कॉलेज है. और अंदर जाके ये जो है, ये है LH की बुक शॉप. और साइड में लॉन्ड्री भी है. जो आगे रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है पूरा, इसे लाल बिल्डिंग बोलते हैं. यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स वगैरह सारी यहीं पे आती है. और ये सारा हॉस्पिटल जो भी दिखाता है वो पूरा न्यू है, अभी एकदम न्यू बना है, वहाँ पे भी स्टार्ट भी नहीं हुआ एक्चुअली. अब हम चल रहे हैं हमारे न्यू एकेड ब्लॉक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और अभी अभी बना है, और कुछ डिपार्टमेंट हो गए शिफ्ट, पर हमें तो अभी तक मौका मिला नहीं इसके अंदर बैठने का. जो भी है, चलो हम देखते हैं कैसा है एक्चुअली ये. चलते हैं इसकी तरफ. देखते हैं कि क्लासरूम वगैरह कैसे हैं.
पे सारे क्लासरूम, यहाँ पे कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी भी है, कंप्यूटर रूम वगैरह सारी मतलब अच्छे से सारा कुछ बना हुआ है। और सबसे ब्यूटीफुल तो ये है यहाँ की छत से जो व्यू आता है कनॉट पैलेस का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। हम चलते हैं वहाँ पर, सब नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी जहाँ पे भी है सारी चीज़ें, कंप्यूटर रूम, लेक्चर थिएटर वगैरह। और यहाँ देखो विंडो से इतना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा। चलते हैं वापस नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे ही, देखते हैं बाहर चलते हैं। कॉलेज की बिल्डिंग तो देख ही ली कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है वैसे आज, बहुत अच्छा सा मौसम है। और ये जो गार्डन है ये है हर्बल गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट हैं और उनके ऊपर उनका सबका नाम लिखा हुआ है। ये बड़ा अच्छा सा कलेक्शन है इनका। और ये पूरा एरिया जो देखो, ऑडिटोरियम, माता हॉस्टल्स और एकेडमिक ब्लॉक। और ये जो जगह, ये पार्क है छोटा सा, बड़ा अच्छा सा, यहाँ पे बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रखी है छोटे छोटे पौधे लगा के। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।